तो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में एक बढ़िया रिटर्न निकाल के आपको दे सकता है। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, मंथली चार्ट लगाया हुआ है और उसके अंदर स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो आपको स्टॉक पता ही होगा, और स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और स्टॉक अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, टेक्निकली। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, डाउन ट्रेंड लाइन थी, इसका इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हुई और सस्टेन होने के बाद इसने टेस्ट करने के बाद अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने तोड़ दिया है। मतलब ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो चुका है। और अगर मैं आपको इसके अंदर पूरा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैं ड्रॉ करके बताऊँ जो ट्रैपिंग लेवल्स की तरह एक्ट करेंगे, तो मैं इसके अंदर लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, जो आने वाले टाइम में आप लोगों को एज एन टारगेट मैं बताऊंगा किस तरीके से इन पूरे ट्रेड्स को, अपने लाइंस को आपको एज एन टारगेट सेट करना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इसका पूरा प्रीवियस बिहेवियर और इसकी प्रीवियस लाइंस, तो ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने पूरे इंपॉर्टेंट लेवल्स ये स्टॉक के अंदर निकल के आ रहे हैं। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट है इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ कहीं ना कहीं इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, और उसके बाद में टेस्ट करने के बाद इसी लेवल को इसने यहीं से अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके अंदर, ये मैं इसके अंदर वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस के साथ आपको आपके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म करते हुए स्टॉक दिख जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊँ तो ये स्टॉक जो है ना, इस तरीके के एक डाउन ट्रेंड के अंदर, इस तरीके के अप ट्रेंड चैनल के अंदर कंटिन्यू अपर साइड की अपनी मोमेंटम करने की ट्राई कर रहा था। देख सकते हो आप लोग दोस्तों, इस तरीके की कोई ना कोई अपर साइड की अपनी एक चैनल है जिसके अंदर ये अपनी अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये चैनल के अपने सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसके अंदर करने क्या वाला हूँ दोस्तों, सिंपली यहीं पे कहीं ना कहीं मैं एंट्री करने वाला हूँ। ये जो है ना वीकली चार्ट है, अगर मैं इसको आपको, सबसे पहले मैं इसके अंदर अपने एंट्री प्राइस तो डिसाइड कर चुका हूँ कि कहाँ पे करने वाला हूँ। इसका स्टॉप लॉस जो है ना दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 205 या फिर 175 वाला लेवल, 73-74 वाला लेवल, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा देने वाला हूँ 25% का, क्योंकि इसके अंदर जो है ना अपसाइड जो है ना, मैं अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में आप लोगों को ऑलमोस्ट इसके अपसाइड 365 या 360-70 वाला एरिया भी एक बार ये स्टॉक आने वाले टाइम में टेस्ट करते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। और आने वाले टाइम में स्टॉक आज ना कल आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस इसके अंदर कर दिया है सेट। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एग्जैक्ट परफेक्ट स्टॉप लॉस है हमारा, और स्टॉप लॉस और इसके साथ हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है 70% तक की, 64% तक की अपर साइड इस स्टॉक के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको डेली के अंदर दिखाऊँ तो ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है, देख सकते हो आप लोग दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो इसने ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल बताया था, बनाया था ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, वेज वेज भी बोल सकते हो आप लोग, ये वेज बनाया था, इसने वेज का ब्रेकआउट किया है और कैंडल भी अच्छी खासी है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और यहीं से एक अपर साइड के मोमेंटम ये कंटिन्यू करने की ट्राई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अपना जो टारगेट है वो इस टारगेट तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 373 तक का आप लोगों को मैंने निकाल के दिया है। और अगर मैं आपको इसके अंदर बीच में थोड़े थोड़े जो लेवल्स है एज एन हर्डल एक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं, तो फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है ना वो यही लेवल रहने वाला है। ये इस लेवल के आसपास ये थोड़ा सा हर्डल की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ पे एज एन हर्डल ये एक्ट करेगा। ये जो तीन चार लेवल है ना दोस्तों, यहाँ पे एज एन हर्डल एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को देखने के लिए स्टॉक के अंदर मिल सकती है। तो आप लोगों को पैनिक होना नहीं है, ये स्टॉक के अंदर आपको बने रहना है। कोल इंडिया डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, 10-15% तक का इसका डिविडेंड यील्ड है, और मैंने आपको बताया है कि इसने एक वेज का ब्रेकआउट किया है और कहीं ना कहीं ये अपर साइड की मोमेंटम करने की ट्राई कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग लेट से आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी आप लोग बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 296 के अराउंड 50 क्वांटिटी आप लोगों की प्रॉफिट एज एन प्रॉफिट बुक करना है। 50 या फिर आप लोग 30 क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है। एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आप लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडेड ही रख सकते हो, क्योंकि डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, और जो भी डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक रहते हैं ना वो फिक्स्ड इनकम वाले स्टॉक रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्टॉक कभी भी अपने को, जो भी स्टॉक रहते हैं ना जो डिविडेंड यील्ड वाले, जो आप लोग अगर आप उसको 10 साल 10 साल तक आप लोग उसको होल्ड कर रहे हो तो इसका 15% तक का डिविडेंड यील्ड है। 10% लेस से 10% वर्स्ट के सिनेरियो 10%, 10 साल के अंदर आपको 100% का तो डिविडेंड ये खुद ही देने वाला है, ठीक है।
आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आउट परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है ये आने वाले टाइम में। यहाँ पे आप लोग, मैंने आपको बताया है यहाँ पे कहाँ ना कहाँ ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे आप लोग 30 क्वांटिटी बुक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक करना आपको आपकी 30 क्वांटिटी और है, और यहाँ पे आप लोगों को फुल क्वांटिटी या फिर इसके अंदर से 20 क्वांटिटी बुक करना है। 30, 30 और 20 ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ पे 80 क्वांटिटी बुक कर रहे हो। 20 क्वांटिटी विद द ट्रेलिंग एसएल आप लोग होल्ड कर सकते हो इसी लेवल के आसपास का। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी स्विंग बनाएगा इस तरीके से, उसी स्विंग के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए स्टॉक को अपर साइड के लिए होल्ड कर सकते हो। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करना है, किस तरीके से आप लोगों को उसके अंदर पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से आप लोगों को कैंडलस्टिक के नाम से लेके ऑप्शन चेन के रीडिंग तक, उसके बाद में जो एडवांस प्राइस एक्शन होती है, जो टूल्स है यहाँ पे जितने भी टूल्स है पूरे किस तरीके से यूज करने हैं, मैं हर एक चीज के बारे में जीरो से लेके एडवांस तक पूरी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस रिलेटेड अपने इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, कोई 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये में ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी वो का कुछ कुछ काम करने वाला हूँ नहीं मैं, जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो वीडियो में आप बनने के लिए थैंक यू, और आने वाले टाइम में जो ये वीडियोस बनाने वाला हूँ उसका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे बज जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।